हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ एडू-ड्राइव्स। डेली डोज ऑफ नॉलेज हमारा एक इनिशिएटिव है जिसमें हम रोज अलग अलग तरीके की कोई वीडियो अपलोड करते हैं। ऑल दिस वीडियोज मे बी रिलेटेड टू सम कंसेप्ट या फिर ये इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस और कंसेप्ट होंगे ये सारे वो टॉपिक्स होंगे जो आपके SSC CGL के, बैंकिंग के या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स सच एज इंश्योरेंस एग्जाम्स, रेलवेज के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम उन टॉपिक्स को, उन क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमारी हर वीडियो के साथ आप लोग हमारे वीडियोस पे कुछ कमेंट्स करते हैं या फिर हमारे पास आप कुछ पर्सनल मेल्स और मैसेजेस भेजते हैं रिलेटेड टू योर डाउट्स, उन डाउट्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, इन ऑर्डर टू स्टे ट्यून्ड विद अस थ्रू ओवर वेरियस चैनल्स यू मस्ट सब्सक्राइब टू Facebook, YouTube एंड Instagram चैनल। एंड अगर आपको जो भी हमारी ये वीडियोज होती हैं इनके बारे में आपको डिटेल्ड नॉलेज लेनी है तो हमारे वीडियो ट्यूटोरियल से आप वो सारे डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। हमारा वीडियो ट्यूटोरियल इज अवेलेबल ऑन Amazon या फिर अगर आप चाहते हैं उसे परचेज करना तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पे जाके www.edu-drives.com पे जाके आप उसे परचेज भी कर सकते हैं। ओके, आगे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री अपने आप में बहुत 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 वास्ट होता है। अराउंड 20-30% ऑफ SSC पेपर इज कंप्राइज ऑफ ज्योमेट्री ओनली। तो ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, बट हाँ 10-15 मिनट्स में पूरे टॉपिक को डिस्कस करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। सो विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेरियस टॉपिक्स ऑफ ज्योमेट्री। ओके, लेट्स सी। Question first, in the given figure, AB is parallel to CD. We have to find the value of X here. This question is based on parallel lines, on the concepts of parallel lines. हमें question में given है AB जो है, this is given parallel to CD. अगर AB parallel to CD है तो मुझे पता लगाना है X की value क्या है। अच्छा, अगर दोनों lines आपस में parallel हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ ये वाला angle और ये वाला angle दोनों आपस में equal होंगे? कैसे? हमारी प्रॉपर्टी होती है कि पैरेलल लाइंस में, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस में ट्रांसवर्सल मतलब ये वाली जो लाइन है दिस लाइन इज ट्रांसवर्सल। तो हम कहते हैं पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल के एक साइड में, इधर ऑन राइट साइड और लेफ्ट साइड, पैरेलल लाइन के ऊपर और नीचे वाले एंगल इक्वल होंगे। पैरेलल लाइन के नीचे कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला और ये वाला। तो ऐसे दीज टू आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या कहते हैं इनको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हम क्या कहेंगे, ये दोनों हमारा एंगल इक्वल है, यानी कि 3x plus x by 2, जो 30 plus x by 2 जो होगा हमारा, that will be equal to x minus 20, और we can simply say, उधर लेके जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 30 plus 20 इधर आ जाएगा, will be equal to x minus x by 2, और simply x by 2, 30 plus 20 is 50, अगर हमारा x by 2 तो x by 2 के इक्वल है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू will be 100, the answer will be option C. तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर भी 100। और अगर मुझसे पूछते ये वाला इक्वल एंगल कितना था, तो दैट विल बी 30 प्लस 50 यानी 100 एंड 80 माइनस वो 50 माइनस 30 प्लस x बाय 2 यानी कितना हो जाएगा, 30 प्लस 50 80 हो जाएगा एंड x वाज 100, 100 माइनस 20 इज आल्सो 80। ओके, अगले क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इन द गिवन ट्रायंगल ADBE एंड CF are the median of the triangle which intersected point G. What is the ratio of area of triangle BGF to area of triangle ABC? हमें कह रखा है एक ट्रायंगल है ABCDEF, इसके जो सारे मीडियंस हैं वो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दीज आर इंटरसेक्टिंग एट सम पॉइंट जी, जिसको हम सेंट्रोइड भी बोलते हैं इस पॉइंट को। तो पूछा हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BGF इस वाले पर्टिकुलर एरिया ऑफ ट्रायंगल का पूरे बड़े वाले ट्रायंगल से रेशियो कितना है। अच्छा, सेंट्रोइड, ये जो हमारा सेंट्रोइड होता है जी, इसकी प्रॉपर्टी होती है कि डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशियो 2:1। तो हमारे रेशियो को, मीडियन को, ये हमारे एरिया को किस पार्ट में डिवाइड करता है, 2:1 में डिवाइड करता है हमारे लेंथ को। अच्छा, मीडियन की एक और प्रॉपर्टी होती है, सपोज ये हमारा मीडियन है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ कभी भी परपेंडिकुलर हाइट, तो इस एरिया, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा,
say the height is ax, this triangle ka area kitna hoga, half bc into ax, this triangle ka area kitna hoga, half bc into ax. Acha agar koi mujhse puchta hai abd ka area kitna hai, to abd ka area kitna hoga, it will be equal to half bd into ax, as ax is, as ax is the height of the triangle, to half bd into ax ho jayega uska area. Okay, जरा आगे देखते हैं, क्या मैं कह सकता हूं यहां पे CD और BD इक्वल है, क्यों? क्योंकि हमारा DK, D इज अ मिड पॉइंट, या फिर AD मीडियम, तो DK आ जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा, यानी BD और CD इक्वल है, तो कहने से इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया दोनों आपस में इक्वल है. अगर दोनों एरिया इक्वल है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD जो होगा हमारा, that will be equal to half of area of triangle ABC. Okay, अच्छा एक चीज और है, अगर मैं लेता, अगर मैं ऐसे कंसिडर करता कि ये वाले जो साइड्स हैं उनका रेशियो 2:1 है सपोज, या फिर 3:1 है, तो इनके जो एरिया हो जाता वो भी कितना हो जाता, 3:1 में डिवाइड हो जाता, वो कैसे? फिर मैं कहता इसका एरिया कितना, हाफ BD into AX, BD कितना हमारा 3A है, और इसके एरिया कितना होता है, हाफ सी डी इन टू एक्स, और इसके एरिया, इसके जो ए ये वाली साइड है वो कितनी है, ए है, तो मतलब डायरेक्टली क्या कहता है हमारा बेस, क्योंकि 3:1 में डिवाइड होगा, तो एरिया किस रेशियो में डिवाइड होगा, 3:1 में डिवाइड होगा. ओके, यानी मैं डायरेक्टली क्या कंसिडर करूंगा अभी के लिए, एबीडी और एसीडी का एरिया इक्वल, यानी कि एसीडी कितना है, दिस इज हाफ ऑफ द टोटल एरिया. अभी जरा इधर आते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल की बात करते हैं, क्या मैं कह सकता हूं जो हमारा पॉइंट जी है, इट इज डिवाइडिंग द होल लेंथ इन द रेशियो 2:1, अगर ये लेंथ 2:1 होगी तो एरिया भी किस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर हाइट इज द सेम, तो ऐसे एरिया का रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा. यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि हमारा ये वाला जो एरिया है, दिस विल बी 1/3 ऑफ द टोटल एरिया. सिमिलरली अगर मैं इसको देखूंगा तो ये भी 1/3 हो जाएगा एरिया, क्योंकि देखा जाए तो ये वाले जो हमारे सेंट्रोइड है, ये भी 2:1 में डिवाइड कर रही है, मीडियन ने हमारे उसको डिवाइड करा 1:2 में, मतलब ये वाले का एरिया जितना होता है ये वाले पार्ट का एरिया भी हो गया, सेंट्रोइड ने हमारे हमारी मीडियन को डिवाइड करा 2:1 में, मतलब इसका एरिया भी 1/3, इसका 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 भी 1/3, सबका पार्ट कितना 1/3 है ऑफ द ट्राइंगल. अच्छा 1/3 इस ट्राइंगल का है एबीडी का, तो कहने से इनका एरिया कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ द टोटल हो जाएगा, इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ द टोटल हो जाएगा. यानी मुझसे अगर पूछा जाता है एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीएफ कितना होगा, तो दैट विल बी 1/6 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी. मुझे सिंपल ये काम करना है, यानी इस ट्राइंगल का एरिया कितना है, इस ट्राइंगल का एरिया विल बी 1/6 ऑफ द टोटल एरिया. Okay, next question. If D and E are the midpoints of triangle AB and AC respectively, then area of triangle BOD to area of triangle COE कितना होगा? In the given question, it is said that D and E are the midpoints. D और E कैसे? D और E हमारे midpoints हैं triangle के. अगर कभी भी हमारे sides के midpoint given हो, तो हमारी कौन सी theorem apply होती है? The theorem will now be midpoint theorem. The theorem will be, we will be applying this. मिडपॉइंट थ्योरम, मिडपॉइंट थ्योरम क्या होती है? मिडपॉइंट थ्योरम स्टेट्स कि अगर कभी भी डी और ई हमारा मिडपॉइंट है, तो जो लाइन डीई बनेगी इट विल बी पैरेलल टू बीसी, एंड डीई विल बी हाफ ऑफ बीसी. अच्छा अगर डीई कभी भी पैरेलल मिडपॉइंट पैरेलल है बीसी के और डीई हाफ है बीसी के, तो कहना है डायरेक्टली से कि यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस भी लगेगी. अच्छा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन क्या होती है? अगर कभी भी सेम बेस बीसी कंसिडर हम करते हैं, तो सेम बेस बीसी से पैरेलल लाइंस में जो भी ट्रायंगल्स बनेंगे उन दोनों का एरिया इक्वल होगा. यानी आई कैन डायरेक्टली से कौन-कौन से ट्रायंगल बनते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल बीईसी एंड ट्रायंगल बीडीसी, ये दो हमारे ट्रायंगल बनते हैं, इन दोनों का एरिया हमेशा इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि दे आर हैविंग द सेम बेस बीसी एंड सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे, तो इन दोनों का एरिया कैसा है? हमेशा इक्वल होगा. ओके, अगर इन दोनों का एरिया इक्वल है
तो कैन आई से किन दोनों के अंदर ये वाला एरिया जो है वो कॉमन है, बीओसी वाला एरिया कैसा है, दिस एरिया इज कॉमन। अच्छा अगर ये वाला एरिया कॉमन है तो एक काम करो दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या मैं कह सकता हूँ दोनों तरफ से अगर मैं ट्रायंगल बीओसी सब्ट्रैक्ट करूंगा, इफ आई सब्ट्रैक्ट ट्रायंगल बीओसी फ्रॉम बोथ साइड्स तो भी एरिया इक्वल आएगा, क्यों, क्योंकि सेम क्वांटिटी में दोनों तरफ से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। अच्छा बीसी में से बीओसी सब्ट्रैक्ट करूंगा तो व्हाट विल आई गेट, बीईसी इस ट्रायंगल में से ये वाला ट्रायंगल ट्रायंगल रिमूव कर दे तो ये ट्रायंगल बनेगा, यानी कि ट्रायंगल COE बचेगा मेरे पास, यहां पे क्या बचेगा मेरे पास ट्रायंगल BOD बचेगा, तो इन दोनों का एरिया विल बी इक्वल। अगर मैंने कहा एरिया इक्वल है तो रेशियो भी कितना, द रेशियो विल बी 1:1, द आंसर विल बी 1:1। इफ द एल्टीट्यूड AP, BQ एंड CR ऑफ द ट्रायंगल मीट्स एट पॉइंट O such that AP ratio BQ ratio CR is 3:4:5, हमको हमें क्या बोला यहाँ पे कि देयर इज अ ट्रायंगल एबीसी जिसमें अल्टीट्यूड जो है एपी बीक्यू एंड सीआर ऑल दिस मीट एट सम पॉइंट ओ, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं पॉइंट ओ को, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड द ऑर्थो सेंटर नो, जहां पे अल्टीट्यूड मीट करते हैं उस पॉइंट पे दैट पॉइंट विल बी ऑर्थो सेंटर। APBQ और CR का रेशियो हमें 3:4:5 के अंदर हमसे पूछा है AB रेशियो BC रेशियो AC क्या होगा। अच्छा कैन वी से एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ इनटू AP इनटू BC, इट विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ इनटू BQ इनटू AC एंड दैट विल आल्सो बी इक्वल टू हाफ इनटू CR into AB, कह सकता हूँ। अच्छा ये सारे के साथ इक्वल है तो हाफ कैंसिल कर देते हैं, आई विल डायरेक्टली से AP into BC जो होगा दैट विल बी इक्वल टू BQ into AC एंड दैट विल आल्सो बी इक्वल टू CR into AB। अच्छा तीनों का रेशियो 3:4:5 तो 3:4:5 विल मिलते हैं, AC कैंसिल हो जाएगा सब जगह, अब विल गेट कितना, विल गेट 3BC, BQ वो AP कितना था, AP वाज 3 तो विल गेट 3BC इज इक्वल टू BQ 4 तो 4AC इज इक्वल टू 5AB। अच्छा अगर ऐसा है 3BC इक्वल टू 4AC तो अगर केवल इतना गिवन होता 3BC इज इक्वल टू 4AC तो BC रेशियो AC कितना होता 4:3, यानी रेशियो इनवर्स हो जाता है। तो व्हाट वी कैन से जो भी हमारा अभी होगा BC रेशियो AC रेशियो AB वो कितना हो जाएगा, उसको हम डायरेक्टली इनवर्स ही करेंगे कि 5:4:3 That will be equal to 1/3:1/4:1/5। Solve करने के लिए क्या करते हैं, इनके LCM से multiply करते हैं। 5 4 3 का LCM कितना है? LCM will be 60। तो multiply this by 60। If we multiply this by 60, we'll get the answer is 20:15:12। हमें क्या निकालना है? AB ratio BC ratio AC। तो AB कितना है? सबसे पहले AB is 12 ratio BC, BC is 20:15। ये हमारा final answer होगा। Okay, let us wind up the topic here only. Geometry बहुत बहुत vast topic है, तो इसको आगे आगे के एक दो videos में भी और cover करने की कोशिश करते हैं, जिससे हम और थोड़े से important questions discuss कर पाए। साथ में अगर आपको इसकी geometry के किसी particular section में अगर आपको doubt है, if you want कि हम किसी particular question को या फिर particular sub particular topic को ऐसे discuss करें, तो please comment us in the comment section. Other than that, for complete geometry and for all of the complete description of all of the topic, you can purchase our video tutorial pendrive at www.edu-drives.com or purchase it from amazon.com. साथ में video tutorials के साथ साथ आपको mock test and practice questions भी आप लोगों को साथ साथ मिलेंगे। Stay tuned with us. Thank you.